हेलो माय डियर किड्स, दिस इज चेतन सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इट इज बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो बच्चों, ये जो है फिजिक्स का लेक्चर टू है, ठीक है? तो ये जो लेक्चर टू है, ये बीटा सीरीज का लेक्चर टू है, ठीक है? एंड द चैप्टर इज सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 11, और वो कौन सा है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, वी नीड टू नो दैट कि आज का टॉपिक क्या है। तो मैंने आपको पहले जैसे बताया, इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सो इट इज एब्रिवेटेड एज SI। तो आज के दिनों में इसको SI बोलते हैं, ठीक है? तो बिफोर गोइंग टू दिस, तो ये कैसे फॉर्म हुआ और ये क्यों फॉर्म हुआ, वो चीज जान लेते हैं। बहुत ही मजेदार किस्सा है बच्चों। थोड़ा बहुत हम फिजिक्स छोड़ के किधर जाएंगे? वी आर गोइंग टू गो टू इट्स मदर। कौन सा? साइंस, ठीक है? सो अर्लियर इन द ओल्डन डेज, यू नो, साइंस वाज लाइक इट इज अ काइंड ऑफ फिलोसॉफी। तो उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं होता था। तो साइंस मतलब कुछ फिलोसॉफी है एंड कुछ फैंटेसी है। दे यूज टू थिंक लाइक दैट ओल्डन डेज, बहुत ही पहले। ओके, बट स्लोली सम यू नो ओन काइंड ऑफ यूनिट्स केम इन टू प्रैक्टिस, एंड दैट टाइप ऑफ यूनिट्स वॉज प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है? तो प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते थे। जैसे आप पुराने दिनों में जाओगे तो गाँव में दे यूज टू टेल दैट 1 बीघा जमीन। 1 बीघा जमीन पर्टिकुलरली कितना होता है हमको पता नहीं है, लेकिन जो गांव की भाषा होती है, तो 1 बीघा वो सिर्फ गांव का बंदा ही जान सकता है। सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, राइट? तो वो जो पर्टिकुलर सोसाइटी रहेगी, विलेज वाली, उन्हीं को पता रहेगा 1 बीघा जमीन कितना है। एंड व्हेन यू कम टू गुंटा प्लॉट, गुंटा प्लॉट वो क्या रहता है? गुंटा प्लॉट इज हम प्लॉट, ये सिर्फ इंग्लिश टर्म यूज करते हैं, बट व्हाट इज गुंटा? वन गुंटा, वन गुंटा मेरे हिसाब से कुछ और मेजरमेंट होता है और दूसरे बंदे के हिसाब से कोई दूसरा मेजरमेंट होता है, ठीक है? सो ये सिर्फ कहाँ पे संचालन में है? इट इज इन प्रैक्टिस टू सम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स, टू सम पर्टिकुलर तालुक्स ऑफ इंडिया, राइट? बट इफ यू गो एंड आस्क दैट वन गुंटा इन USA, they will not understand that एक गुंटा means what, ठीक है? So it means that it is restricted to some particular area, some particular location, okay? So such type of units are called as practical units. तो ऐसे quantities को आप इस तरह के unit से measurement करते हो, तो इसको क्या कहते हैं? Practical units. और एक बात बताता हूँ। Say for example, in the olden days, not nowadays, in the olden days, if you peoples समझो कि आप उस एरा में हो, पुराने एरा में, एंड यू विल गो टू द मार्केट टू परचेज द रोप। तो रोप कितना है? 1 गेण, मतलब एक एक इतना मेजरमेंट। इसको कन्नड़ में गेण बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, आई डोंट नो। सो से फॉर एग्जांपल, 1 गेण इज दिस वन गेण, ठीक है? सो आई वांट कितना? 6 गेण रोप, ठीक है? इतना रोप चाहिए मुझे। तो मेरा वाला थोड़ा लेंदी है। अगर समझो कि कोई एक्सपोर्टर जो बैठा है ये बेचने के लिए, उसका ये जो मेजरमेंट है छोटा है, तो ये कितना मिलेगा उसके हिसाब से? उसके हिसाब से इतना मिलेगा, मेरे हिसाब से इतना था। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत आएंगे, नॉट ओनली देयर बट ऑल्सो विद अदर मेजरमेंट्स, ठीक है? तो अर्लियर यू नो कोई स्पेसिफिक वे नहीं था कि मेजरमेंट्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो उस वक्त लेन देन मींस परचेजिंग एंड सेलिंग, सेलिंग कैसा होता था? से फॉर एग्जांपल, यू वांट दिस जार फुल ऑफ शुगर, तो आपको क्या करना पड़ता था? जोवार पूरा इतना भर के देना पड़ता था, तो उतना ही आपको अमाउंट में शुगर मिलता था, ठीक है? अभी समझो मैंने जवार दे दिया, अभी से फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेक ऑयल फ्रॉम देम,
तो उतना ही ऑयल अगर देगा तो जोवार सस्ता था उस वक्त, एंड ऑयल वाज कॉस्टली, तो ऑयल इतना ही दे रहे हैं तो उस बंदे को लॉस हो रहा है. से फॉर एग्जांपल जोवार वाज कॉस्टली, ऑयल वाज लेस एक्सपेंस, तो जोवार ज्यादा जाएगा ज्यादा पैसे का और ऑयल कम पैसे में आएगा, तो उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है किराना स्टोर वाले को. ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल यूनिट्स, मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं था. ओके, तो इसको यहीं पे रोकते हैं. ठीक है, बट वन थिंग, जैसे जैसे साइंस का पॉपुलैरिटी एंड द यू नो स्कोप ऑफ साइंस हैव इंक्रीज्ड इन द 18th एज वेल एज 19th सेंचुरी, अर्लियर डेज ऑफ 19th एंड 18th सेंचुरी, साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, वेर यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स. ओके, तो डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम के तौर में बने थे. ठीक है, सो पॉपुलर सिस्टम्स वेर कौन से थे? सो इट वॉज CGS, FPS, MKS. ठीक है, तो ये तीन जो थे ये बहुत ही एक्सक्लूसिवली यूज करते थे बाय डिफरेंट साइंटिस्ट और मोर नंबर ऑफ साइंटिस्ट हु आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज. सो बेसिकली CGS वेर एक्सटेंसिवली यूज इन USA. ठीक है, एंड क्या कहते हो आप, इन सम यूरोपियन कंट्रीज. ओके, एंड FPS वॉज यूजिंग इन ब्रिटेन एज वेल एज कॉमनवेल्थ कंट्रीज. कॉमनवेल्थ मीन्स द कंट्रीज विच वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स. ओके, एंड MKS, सो दिस वॉज यूज बाय फ्रेंच एज वेल एज इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. इट इज पर देयर कन्वीनियंस. ओके, तो इस तरह का संचालन था, मीन्स अबाउट दीज सिस्टम्स. सो देर वॉज नो डिफिकल्टी, बट द थिंग इज वाइल डीलिंग द कमर्शियल वर्क. कमर्शियल वर्क क्या होता है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जब कोई भी चीज इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट होती है, इट इज इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री विच इज यूजिंग देयर ओन सिस्टम. अभी कोई बंदा समझो कि 100 ग्राम ऑफ जोवार बेचना चाहता है फ्रॉम USA टू फ्रांस. ठीक है, सो फ्रांस में क्या है, दे आर यूजिंग केजी. सो इन टर्म्स ऑफ केजी समझो, अब हम कहते हैं कि 100 ग्राम इज इक्वल्स टू सो एंड सो केजी बिकॉज ऑफ बाय लर्निंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. बट अर्लियर इट वॉज नॉट इन प्रैक्टिस कि USA में कितना 100 ग्राम है और फ्रांस में कितना किलोग्राम है. सो दे वेर नॉट अवेयर ऑफ दैट. एक दूसरे का फिर क्या होता था, देर विल बी सो मच डिफरेंस इन देयर व्यूज, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे. ओके, सो टू दैट फॉर दैट रीजन दे हैव डिसाइडेड, ऑल द साइंटिस्ट वेर डिसाइडेड टू गो फॉर सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा था वो, उसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसका एब्रिवेशन आप क्या डालते हो, SI. बट बिफोर प्रोसीडिंग, ये जाने से पहले कुछ जो साइंटिस्ट थे दे वेर एक्सटेंसिवली यूजिंग MKS, मींस ऑल वेर शिफ्टिंग, FPS एंड CGS पीपल्स वेर शिफ्टिंग टू द MKS 1. ओके, सो दिस इज सिस्टरली सिस्टम ऑफ द SI. तो MKS और SI में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. Are you getting my point, my dear kids? So, this was the practice at that time. So, my dear kids, let me tell you that the three systems, okay, the three systems were inextensively used. Okay, but apart from these three systems, there were so many other systems were there. लेकिन ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी बच्चों, it was यूजिंग दीज थ्री थ्री सिस्टम्स टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, द फर्स्ट वन वॉज CGS. ओके, सो CGS मीन्स
सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर. दिस वॉज द यूनिट सीजीएस यूनिट टू मेजर वॉट बच्चों टू मेजर लेंथ. ओके एंड द सिंबल वी आर यूजिंग फॉर वॉट सेंटीमीटर वॉज सीएम. ओके सो दिस इज द सिंबल ऑफ सीजीएस यूनिट. ओके नाउ ये किसके लिए हो गया, ये लेंथ के लिए हो गया आपके. एंड वॉट इज जी, जी स्टैंड फॉर ग्राम. फाइन एंड इट इज यूज टू मेजर द मास फिजिकल क्वांटिटी एंड ग्राम वॉज एक्सप्रेस्ड इन जीएम और स्मॉल जी. ठीक है सो अर्लियर इट वॉज यूज्ड मीन्स दिस सिंबल वॉज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्राम फैक्टर माय डियर किड्स एंड नाउ नाउडेज वी आर यूजिंग स्मॉल जी. ठीक है तो स्मॉल जी हम ज्यादातर क्यों यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ वी यूज दैट स्मॉल जी विद द 10 समटाइम्स इन फिजिक्स व्हाट विल हैपन यू नो इट विल बी दिस कंसेप्ट मे बी मिसअंडरस्टूड एज ग्रेविटी फैक्टर. ठीक है तो इसीलिए हम फिजिक्स में 10 जी यूज नहीं करते हैं, बट इन केमिस्ट्री यू पीपल्स यूज दिस 10 ग्राम तो आप कह सकते हो वहां पे, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम यूज होती है वहां पे. फिजिक्स में ग्रेविटी बहुत ज्यादा यूज होता है तो बेसिकली जीएम ही यूज करते हैं. ओके एंड यस, यस स्टैंड्स फॉर व्हाट, यस स्टैंड्स फॉर सेकंड. सो सेकंड इज द सीजीएस यूनिट ऑफ व्हाट, टाइम फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद एसईसी. ओके और सिंपली एस. ठीक है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सो दिस इज यू नो ऑल अबाउट सीजीएस, मैंने आपको सीजीएस के बारे में बताया. नाउ द सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट वाज एफपीएस. सो दिस वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय व्हाट, बाय ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन. ओके तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंट्रीज, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड. ठीक है एंड ऑल्सो थर्ड कंट्री, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, आयरलैंड. तो तीनों का जो ये है ना कॉम्बिनेशन, तीनों का जो कहते हैं ना काइंड ऑफ यूनाइटेड फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन नहीं, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, आई थिंक आयरलैंड एंड ब्रिटेन वॉज कॉल्ड एज ग्रेट ब्रिटेन, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंट्रीज आयरलैंड स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन वॉज कॉल्ड एज यूनाइटेड किंगडम, यूके बोलते हैं उसको. ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं. एंड दे वर यूजिंग यू नो एफपीएस सिस्टम. सो एफ स्टैंड्स फॉर ओके फुट एंड फुट का ये जो फुट है दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, टू मेजर द लेंथ बच्चों. ठीक है एंड पी स्टैंड्स फॉर पाउंड. ठीक है सो दिस इज द एफपीएस यूनिट टू मेजर द मास फिजिकल क्वांटिटी एंड यस स्टैंड्स फॉर अगेन व्हाट माय डियर किड्स, बेसिकली इट इज सेकंड. ठीक है तो दिस स्टैंड्स टू मेजर द टाइम फैक्टर, टाइम फिजिकल क्वांटिटी. तो हमने सिर्फ यूनिट बताए एफपीएस. ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द व्हाट सिंबल्स ऑफ दीज एफपीएस यूनिट्स. ओके तो माय डियर किड्स ये जो लेंथ का फुट, इट इज द एफपीएस यूनिट. ठीक है तो इसको आप सिंबोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एफटी करके. ठीक है फॉर मास हैविंग इट्स एफपीएस यूनिट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज पाउंड. तो पाउंड का जो सिंबल है इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एलबी सिंबल. क्या है एलबी? ओके फॉर टाइम इट इज सेकंड. ओके एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल एस. ये आपका क्या है, दीज आर द थ्री सिंबल्स ऑफ थ्री यूनिट्स. ठीक है तो अभी इसको रब कर लेते हैं, करते करते हुए रब वी आर गोइंग टू सी एमकेएस,
यूनिट, ठीक है। सो माय डियर किड्स, आई हैव रब्ड सीजीएस एज वेल एज एफपीएस। नाउ द थर्ड वन, तो थर्ड वन कौन सा था? इट वॉज एमकेएस, ठीक है, वेयर एम स्टैंड्स फॉर वॉट? मीटर। सो मीटर इज द यूनिट टू मेजर द लेंथ, ठीक है। तो मीटर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल एम के द्वारा, फाइन। एंड वेयर के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, बच्चों क्या है? किलोग्राम। एंड इट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट? मास, फिजिकल क्वांटिटी। वेयर द सिंबल केजी इज द नेम फॉर द यूनिट किलोग्राम। एंड एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड, वेयर सेकेंड इज द एमकेएस यूनिट ऑफ टाइम। एंड यू नो माय डियर किड्स, टू नेम द एमकेएस यूनिट ऑफ टाइम दे वर यूजिंग स्मॉल एस, ठीक है। तो आपको समझ में आया बच्चों कि क्या क्या सिंबल्स दे वर यूजिंग, फाइन। एंड अनदर थिंग, वी केम टू नो दैट three systems were there, CGS, EFPS and MKS, okay. So this was done ready by one particular body, okay, in 19th century. So my dear kids, that body's name was General Conference. On weights and measures. So this was the body, you know, which was running the whole thing of the system of different units from different countries. Okay, this body was used to manage all types of system of units. So the name was General Conference on Weights and Measure. So basically, in 1971, they have decided to make all the system of units, different units, into single one, okay. And they have first of all changed the name of this institution or this body, and that name is called as system, international system, ठीक है। क्या नाम रखा इसका? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड द एब्रीवेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम वॉज SI, ठीक है। तो ये जो है इंग्लिश नाम है बच्चों, फ्रांस वाला कौन सा है? सिस्टम इंटरनेशनले डी यूनिट्स, ठीक है। ये आपका फ्रेंच नाम है। सर आप हमें फ्रेंच नाम क्यों बता रहे हो? आप तो कह रहे हो कि इंग्लिश नाम जो इस बॉडी का चेंज करके 1971 में सारे सिस्टम को मिला के एक सिस्टम बनाया, जिसको आप कहते हो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका सिंबल एब्रीवेशन क्या बनाया गया? SI, ठीक है। और ये जो बॉडी थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया। क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये बॉडी बन गई। एंड द फ्रेंच नेम, दिस वाज इंग्लिश नेम, राइट? ये इंग्लिश नेम है। तो इसका फ्रेंच वर्शन क्या है? सिस्टम ए इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सो सर फिर से क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि आपने फ्रेंच में क्यों बोला? बिकॉज माय डियर किड्स, द ऑफिस ऑफ दिस बॉडी वाज इन फ्रांस। तो ये फ्रांस में है, तो पूरा जो भी मेजरमेंट्स का ये चलता है, क्या कहते हो, एक सिस्टम चलता है, इट इज रन फ्रॉम द फ्रांस कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमें समझ में आया कि कितने टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं। एंड अनदर थिंग कि
हमने एक सिंगल बॉडी बनाई जिसको हम SI सिस्टम कहते हैं, तो इतना सारा तो हम चीज जान गए। तो अभी आगे क्या करना है सर? आगे कुछ नहीं करना है, पहले इसको रब करना है, ठीक है? सो माय डियर किड्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि जब से SI सिस्टम बना, ठीक है, सो इट वाज वेरी मच हेल्पफुल इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड्स में इसका यूसेज होने लगा, स्पेशली साइंटिफिक, ओके, देन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एज वेल एज टेक्निकल, ये चार फील्ड्स में SI सिस्टम का यूसेज बहुत होने लगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक साइंटिफिक, ठीक है, सो वेन एवर यू यूज टू कंडक्ट प्रैक्टिकल्स, ठीक है, इन टू द प्रैक्टिकल क्लासरूम ऑफ योर क्लासेस, ठीक है, तो समझो कि वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात कर रहे हो आप लोग, सो ऑलरेडी यू डिड दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हो आप लोग? बेसिकली यू आर गोइंग टू मेजर आइदर डायमीटर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मिलीमीटर और इन टर्म्स ऑफ 10^-4, ठीक है, तो ये वाले ऑर्डर में आप क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो। सो नॉर्मली विद द मीटर स्केल इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर दिस टाइप ऑफ डिस्टेंस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? और सिंपली समझो कि एक मीटर डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, सो व्हाट यू आर यूजिंग, यू आर यूजिंग द SI सिस्टम टू मेजर दिस डिस्टेंस, एंड व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ SI सिस्टम टू मेजर दिस लेंथ, तो क्या करते हो, यू आर सेइंग दैट 1 meter डिस्टेंस या 1 meter प्लस 1 meter कहते हो, ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ यू नो राइटिंग इन पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेजर द साइंटिफिक क्वांटिटीज, तो क्या कहते हैं हम, वी आर सेइंग दैट वी आर यूजिंग दिस SI सिस्टम इनटू साइंटिफिक फील्ड, ओके, देन अगेन वी आर गोइंग टू इंडस्ट्रियल वन, से फॉर एग्जांपल यू हैव स्टोर्ड लॉट ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू द इंडस्ट्री, ओके, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द इंडस्ट्री टू गेट एक्सपोर्ट टू मार्केट और एल्स टू अदर कंट्रीज, सो व्हेन यू आर telling that how much quantity it is moving outside of that, okay, outside the industry in terms of mass, so you used to tell that it is 10 ton, theek hai, 10 ton, so ye jo 10 ton hai na, 10 ton keh lo or else you can call it as 10,000 kilogram keh lo, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इवन इफ यू आर सेइंग दिस वन, ये भी करेक्ट हो सकता है, बिकॉज केजी इज द SI यूनिट टू मेजर द मास, ठीक है, क्योंकि अगर आप 10,000 केजी यहां पे बोल रहे हो, इवन इन द अदर कंट्री व्हेन इट इज मूविंग टू गेट एक्सपोर्ट, दे विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच क्वांटिटी यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम योर कंट्री टू देयर कंट्री, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल purpose may be used hota hai, okay, and for the commercial purpose means when say for example when you are selling, say for example you are a kirana store owner and you are selling oil 10 liters, theek hai, तो 10 लीटर्स का आप कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ केजी में करोगे, सो यू कैन इजीली से दैट बेसिकली व्हेन यू गो टू द मार्केट टू परचेज द ऑयल, दे विल टेल यू दैट वन बॉक्स इज कंटेनिंग 15 लीटर्स एंड अदर बॉक्स इज कंटेनिंग समवॉट सो एंड सो केजी, तो आपको लीटर्स में खरीदना है या केजी में खरीदना है, दे विल पुट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू गो टू अर्थी मार्केट, वंस यू गो विथ योर मदर you will come to know that ki yaar jo oil hai wo in terms of kg bhi bechte hain, in terms of liter bhi bechte hain, theek hai, to wahan pe commercially bahut use hote hain kya SI system, okay, and technical one, ye technical kya hota hai, say for example you are using your internet data and you are saying that 100 bytes,
ठीक है, ये 100 बाइट्स तो बहुत ही छोटा हो गया. इफ आई से दैट विद इन 1 सेकेंड 100 MB हैज गॉन, ओके, फॉर 10 सेकेंड कितना होगा? 1 GB. 1 GB ऑफ इंटरनेट यू हैव यूज्ड विद इन 10 सेकेंड. सो आपको बात समझ में आ रही है, टेक्निकली आप क्या कहना चाह रहे हो. जी स्टैंड फॉर गीगा, ओके, एंड बी स्टैंड फॉर इट्स यूनिट बाइट्स, ओके. सो टेक्निकली वी आर यूजिंग दीज थिंग्स, ओके, दीज आर द, दिस इज द प्रीफिक्स एंड जीबी एमबी जो भी है. फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हो कि यार कितना रन किया, मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर, ओके. से फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेस्ड अ कार एंड यू आर गोइंग टू डिफरेंट सिटी, फ्रॉम वन सिटी टू सेकेंड सिटी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 नॉट मीटर, किलोमीटर, ठीक है. तो इफ यू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ मीटर, यू आर सेइंग दैट द यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट टू मेजर दिस डिस्टेंस. सो यू कैन राइट, इवन दो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, 1 लाख मीटर डिस्टेंस यू आर कवरिंग. सो टेक्निकली यू कैन राइट द एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस, ठीक है. तो प्रीफिक्सेस में भी आप लिख सकते हो, इट मे बी ऑफ हायर ऑर्डर, इट मे बी ऑफ लोअर ऑर्डर. सो इवन दो स्मॉल डिस्टेंस इफ यू आर मेजरिंग, इतना छोटा वाला, सो यू कैन राइट इट एज 1 mm, मीन्स मिलीमीटर. सो टेक्निकली यू कैन राइट दिस एसआई यूनिट. This is what I am trying to convey you. बस यही चीज है और कुछ नहीं. तो मैंने सारा पोच दिया, ठीक है, क्लियर कर दिया इसको. Now, my dear kids, let me tell you one thing. The advantage of SI, क्या है पता है आपको? आप कोई भी सिस्टम ले लो, CGS ले लो, FPS ले लो या MKS ले लो, इन तीनों से इसको कन्वर्जन बहुत ही इजी तरीके से किया जा सकता है. से फॉर एग्जाम्पल you are saying that 10 centimeter hai, so I want to convert this in terms of what, SI system. So we are basically taking the kaun sa wala quantity, length, physical quantity. So wo 10 centimeter hai, I should convert in terms of what, SI. So 10 into 10 to the power minus 2 meter, because C stands for what? C stands for prefix 10 raised to minus 2, ठीक है. तो इसको अगर मैं लिखूं, सो आई कैन राइट इट एज 10 इनटू, नहीं ऐसे, ये मीटर एज इट इज रख देते हैं. सो 10 रेज टू माइनस 2 कैन बी रिटन एज 1/10 स्क्वायर. तो 10 स्क्वायर आप नीचे ले लो, ठीक है. तो जब आप नीचे लोगे इसको, सिंपली यू आर राइटिंग आउट व्हाट, 10 डिवाइडेड बाय 100, मतलब जब यहां पे दो जीरो हैं तो 1, 2, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर, ओके. सो 1, 2, आफ्टर दीज टू डिजिट्स यू कैन पुट द डेसिमल पॉइंट. तो 0.10 विच इज इक्वल्स टू 0.1, ठीक है. तो ये जो 0.1 वाला फंडा है ना बच्चों, वी आर यूजिंग द डेसिमल सिस्टम, ठीक है. तो ये जो डेसिमल सिस्टम क्या होता है, ये डेसिमल पॉइंट होता है डिजिट्स के बीच में. तो ये जो 0.1 है, वी आर सिंपली यूजिंग डेसिमल पॉइंट इन बिटवीन द डिजिट्स टू गेट कन्वीनियंट वैल्यू. तो कन्वीनियंट वैल्यू कैसे लिख रहे हैं इसके साथ साथ, मीटर, विच इज वेरी मच सिंपल. एक तो कन्वीनियंट है, दूसरा सिंपल है. तो व्हाट यू आर राइटिंग, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर. सो कन्वीनियंटली इन द सिंपल मोड यू आर राइटिंग दिस, ठीक है. तो आपको तो पता चल गया कि कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, उससे हम एसआई को बहुत इजी तरीके से, सिंपल तरीके से और कन्वीनियंटली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं दूसरे कंसेप्ट को आगे. तो बच्चों एक्चुअली मैंने आपको कल ही एसआई सिस्टम में कितने बेस यूनिट्स होते हैं और बेस क्वांटिटीज होते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, मैंने आपको कल ही बता दिया था. सो इट वाज 7, ठीक है. तो पहला वाला क्वांटिटी हमने बोला था लेंथ, थोड़ा सा रिपीटेशन कर लेते हैं. और इसका जो एसआई यूनिट है
वो क्या था? इट वॉज मीटर. और इसका जो सिंबल है, मतलब द नेम ऑफ द यूनिट, वो कैसे एब्रिवेट किया जाता है? स्मॉल एम से. सो फॉर एनदर क्वांटिटी मास, इट इज हैविंग यस आई यूनिट किलो ग्राम एंड द सिंबल वॉज के जी. द थर्ड वन वॉज टाइम, तो इसका जो यस आई यूनिट है सेकेंड, सो द सिंबल इज यस. सो द फोर्थ वन कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, एंड यस आई यूनिट इसका कौन सा है? एम्पियर. ठीक है, एंड द सिंबल इज कैपिटल ए, क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसलिए सिंबल हम कैपिटल ए यूज करते हैं. लेकिन यहां पे कैपिटल ए यूज नहीं करना है, ऑल लेटर्स शुड बी स्मॉल लेटर्स. द फिफ्थ वन आपका टेम्परेचर है, डिग्री ऑफ हॉटनेस जिसको आप कहते हो. ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस एसआई यूनिट वाज केल्विन, स्मॉल के स्मॉल ई एल वी आई एन. ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल कैपिटल के. ठीक, द सिक्स्थ वन लुमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, सो द एसआई यूनिट वाज कैंडेला. ठीक, और इसका जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं, दैट वाज सीडी. एंड द सेवेंथ वन वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट. इसको आप कैसे मेजरमेंट करते हो बच्चों? इट इज विद द एसआई यूनिट मोल. और सिंबल यूसेज फॉर दिस मोल वाज मॉल. ठीक है, सो दीज वेर सेवन फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल एज सेवन बेस यूनिट्स. ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज. सो अपार्ट फ्रॉम दिस वॉज प्लेन एंगल, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. बट यू कैन से दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज सेमी लाइक सेमी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज दिस इज द एडिशनल वन एंड सॉलिड एंगल. सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ एंगल माय डियर किड्स इज यूज्ड इनटू द प्लेन. तो प्लेन में यूज होता है 2D. ओके, एंड द एसआई यूनिट इज रेडियन, सो द सिंबल विल बी रैड. एंड दिस टाइप ऑफ एंगल इज टेकन और चूजन टू मेजर द एंगल इनटू 3-dimensional space. Okay, and the SI unit is steradian. The symbol is SR. क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत ही सिंपल है, इतना तो हमें समझ में आया क्या क्या हमने किया है और क्या नहीं किया. चलो इसको रब करके आगे बढ़ते हैं. माई डियर किड्स, एक्चुअली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि प्लेन एंगल कैसा होता है. ठीक है, कि अगर मैं प्लेन एंगल को डिफाइन करना चाहूं तो कैसा रहेगा. से फॉर एग्जाम्पल यू हैव चोजन अ स्लाइस ऑफ पिज्जा. ठीक है, तो यहां से मैं एंगल बना रहा हूं, इसको मैं डी थीटा बोलूंगा. ओके, एंड सिंस दिस इज द ओरिजिन ऑफ द क्या कहते हो आप, this baseline which is moving in the upward direction, and I will call this as radius r, and this arc length I am going to call it as ds. We all know that the angle d theta will be always equals to the ratio of arc length to the radius. Kya hai ye? Arc length to the radius. So this is the formula to represent the plane angle. ठीक है, तो it is always having this formula as well as we can express the angle in terms of radian when we are writing the unit of this angle in terms of SI. ठीक है, तो वो क्या रहेगा? Radian रहेगा. So this is for what?
टू डायमेंशनल स्पेस, मीन्स वेन यू आर टेकिंग द एंगल इन टू द प्लेन. तो अगर आप प्लेन में एंगल ले रहे हो, सो यू आर राइटिंग आउट वॉट SI यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल. ठीक, अभी प्लेन एंगल तो हो गया, इसको हम समझ गए. एंड वी आर गोइंग टू सी द सॉलिड एंगल माय डियर किड्स. सॉलिड एंगल बेसिकली होता क्या है? ठीक है, चलो देखते हैं क्या है सॉलिड एंगल. नाउ माय डियर किड्स, लेट मी टेल यू, आई थिंक यू ऑल हैव एट दिस वन, क्या कहते हो आप उसको, वाटरमेलन. वाटरमेलन को जब भी आप लेते हो, परचेज करते हो, सो दे विल कट अ स्क्वायर लाइक शेप ओवर द वाटरमेलन. तो वाटरमेलन आप जब भी लेते हो, मैं एक आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊंगा. सो ये आपका वाटरमेलन है एंड यू आर गोइंग टू कट लाइक दिस ओवर दैट. कैसे? ऐसे आप कट करते हो. ठीक है, एंड इट विल बी कट इन सच अ वे दैट इसका जो कटिंग होता है ना, इट विल गो अप टू द सेंटर ऑफ द वाटरमेलन. ठीक है, तो वो जो रीच होगा कैसे होगा, दैट विल बी समवॉट लाइक दिस. कैसे होगा? ऐसे. नो, नॉट दिस वन. मैं थोड़ा सा इसको और शार्प कर लेता हूं. सो से फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है. ठीक, एंड इट विल बी लाइक दिस. चलो और एक यहां पे बना लेते हैं. चलो इसको ऐसे बना लिया मैंने. तो अभी जो है ये ऐसा है एंड इट विल बी लाइक दिस. ये भी ऐसा है. ओके फाइन, यू कैन सी नाउ. सो दिस इज द एंगल व्हाट वी आर सीइंग. ये जो एंगल है ना, दिस इज 3D एंगल. ओके, एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड विद डी ओमेगा. तो ये इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं. क्या है ये? सॉलिड एंगल. एंड दिस एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड एज डी ए. एंड हियर वी हैव टू रेडियस, एक ये ले लो और दूसरा ये वाला ले लो. ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ टू रेडियस दैट विल बी आर स्क्वायर. सो द प्रोपोर्शन और रेशियो ऑफ एरिया एलिमेंट डिवाइडेड बाय डी आर स्क्वायर इज नथिंग बट सॉलिड एंगल. एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? स्टेराडियन. ठीक है, ऐसे. और एल्स यू कैन सिंपली राइट एज एस आर. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द सॉलिड एंगल इन द 3D स्पेस, आइदर विद द स्पेस और एल्स विद द मटीरियल. कोई भी मटीरियल ले लो. तो इस तरह से अगर आप पीस निकालते हो किसी वाटरमेलन से, तो यू आर डिफाइनिंग द एंगल हियर. ये जो होगा ना, दिस इज डी ओमेगा. फाइन, दिस इज सॉलिड एंगल. आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? एक्चुअली प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है? प्लेन एंगल वी आर असाइनिंग टू द टू डायमेंशनल प्लेन, टू डायमेंशन. एंड फॉर द 3 डायमेंशन वी आर असाइनिंग सॉलिड एंगल. सो I will rub this first of all, my dear kids. And another thing you have to remember, my dear kids. आपको एक चीज याद रखना है, जो 2.1 टेबल है, ठीक है, जिसमें आपको SI बेस क्वांटिटीज और ओके एंड यूनिट्स ऐसे हेडिंग दिया है, जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी, SI यूनिट एंड द सिंबल ऑफ SI यूनिट, उसके बाद जो है डेफिनेशन फैक्टर है. डेफिनेशन फैक्टर में बहुत सारे वैल्यूज दिए गए हैं रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटीज, विच यू शुड नॉट हैव टू मेक बाहर्ट, ओनली टू सी द प्रेसिजन ऑफ द मेजरमेंट. आपको पढ़ना है बस, क्योंकि ये चीज, ये वाले डेफिनेशन लेंथ का हो, मास का हो, टाइम का हो, या टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके डेफिनेशंस कहीं पे भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे. ठीक है, एंड द वैल्यूज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनीवेयर, ओनली टू गेट अंडरस्टैंड द प्रिसीजन मेजरमेंट. तो कैसा प्रोग्रेस हुआ है साइंटिफिक फील्ड में, बस ये चीज देखने के लिए.
और मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, 1 मीटर का कैसे स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया गया है, दे हैव मेंशन्ड देयर, दैट्स इट, और कुछ नहीं. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. दिस इज द नोट, दैट्स इट. सो माय डियर किड्स, आपको टेबल 2.1 होने के बाद टेबल 2.2 जिसमें आपको कुछ यूनिट्स मिलेंगे. ओके, वेट, सम यूनिट्स विल बी इन यूसेज विच यू मे नॉट हैव सीन इन टू द SI. No usage. In wait. No usage in SI. Although we are using, फिर भी हम use कर रहे हैं. Using, ठीक है. But how? कैसे यूज करते हैं हम लोग? In table 2.2 we are going to see that there are number of units are there. Fine. Although those units are not present into SI, but still we are using that. Say for example, एक यूनिट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिनट, 1 मिनट, ठीक है. तो इसको हम SI में यूज करते हैं. कैसे? एंड दिस इज कैरिंग द सिंबल ऑफ दिस यूनिट इज MIN. एंड फॉर द SI वी आर यूजिंग इन टर्म्स ऑफ मिनट, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स. कैसे? दिस इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग वन पर्टिकुलर यूनिट इन टर्म्स ऑफ SI. Although we are not using that unit in terms of in the SI, but we are using in terms of SI. Okay, आपको ये चीज समझ में आई ना? And I'll take another example. 1 hour, ठीक है. So the symbol for this is 1 H, ठीक. And this can be expressed in terms of what? 60 minutes, which may be equals to 60 into 60. Second, so that will be equals to 3600 seconds. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? Okay, तो और एक physical quantity लेते हैं जिसका unit and 1 year. Okay, so my dear kids, if you see this 1 year, pura multiply karoge, 1 year ka kitna aega? In terms of how many seconds, calculate karke dekh lo kitna aega वैसे भी. So this will be somewhere around 86,400 seconds. ठीक है, चलो. तो हमने चार quantities तो देख लिए table 2.2 में. ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं बच्चों, तो थोड़ा वैरायटीज देख लेते हैं इसको रब करके. ठीक है, चलो रब करते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बेसिकली हमने क्या जानने की कोशिश की? हमने देखा कि यार 1 मिनट जो भी है, वी आर यूजिंग फॉर 1 मिनट MIN यहाँ पे, एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स. और यहाँ पे 1 आवर का in terms of H symbol, and again SI unit kya tha iska? Second. Hour ko bhi humne second mein conversion kar liya, minute ko bhi seconds mein. And after this day, to 1 day ke liye D use karte hain symbol, and again expressed in terms of seconds. To fir uske baad jo hai 1 year ko Y se represent karte hain symbol, again expressed in terms of seconds. To yahi cheez hamara means this was the purpose to express the general symbols of general units in terms of SI. ठीक है, तो दूसरे वाले units को देखते हैं.
ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यूनिट्स देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे। डिग्री, टन, लीटर एंड कैरेट, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होगा दैट विल बी कोई भी नंबर आपको मिल रहा है। X इज स्टैंडिंग फॉर से फॉर एग्जांपल सम एंगल नंबर, अगर उसके ऊपर आप एक जीरो लिखते हो सो दैट विल बी द सिंबल ऑफ दिस यूनिट डिग्री करके। ओके, से फॉर एग्जांपल X इज इक्वल्स टू व्हाट, X इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो 1 डिग्री, सो 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ SI कितना होगा, सो दैट विल बी एक्सप्रेस्ड ऑलवेज पाई बाय 180 रेडियन। मतलब ऊपर अगर छोटा सा सी दे देते हो पाई बाय 180 मींस 1 डिग्री यू आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग द SI यूनिट ऑफ द डिग्री यूनिट। डिग्री यूनिट का जो भी है SI यूनिट में आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट शुड बी पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है, सिंपल है। अगर डिग्री का आपने किसमें कन्वर्जन किया, SI यूनिट में, ठीक है। सो फॉर 1 टन, तो 1 टन जो आप एक्सप्रेस करते हो यू आर टेकिंग द सिंबल फॉर टन इज टी, ठीक है। एंड व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ SI, तो SI में जब एक्सप्रेस करोगे सो 1 टन इज इक्वल्स टू कितना, दिस इज इक्वल्स टू 1000 kg, ठीक है। सो 1000 kg मीन्स सिंपली यू आर रिप्रेजेंटिंग 1 टन इन टर्म्स ऑफ वॉट, SI। सो बेसिकली टन स्टैंड्स टू टेक द मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। एंड द यूनिट लीटर will be having symbol L, capital L. So 1 liter will be always equals to what? 1 liter will be always equals to in terms of SI karna hai, theek hai? So 1 liter is equals to what my dear kids? 1 decimeter cube, theek hai? To isko aap kaise express karte ho? 1 into 10 to the power माइनस 1, ठीक है, ये आपका मीटर क्यूब। सो यू कैन एक्सप्रेस दिस वन लाइक दिस, 10^-3 मीटर क्यूब। सो दिस इज नथिंग बट 1 लीटर। तो डेसी कितना होता है बेसिकली 10^-1, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इफ इट इज करेक्ट एंड यू कैन टेक इवन दिस वन आउटसाइड आल्सो, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, वैसे भी थोड़ा सा इजी तरीके से लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सी हियर, तो 1 का 1 मैं जैसे का तैसे लिखता हूँ, इनटू डेसी जो है 10^-1 है, ठीक है, ये आपका मीटर है, 3, मतलब इसको आपको एक इनसाइड क्वांटिटी इनसाइड द राउंड ब्रैकेट, ठीक है, ये चीज लेना है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ SI this particular unit of liter, 1 into 10^-3 फिर मीटर क्यूब, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग लीटर इन टर्म्स ऑफ SI, ठीक। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस कैरेट इज द यूनिट, उसका सिंबल भी लिखेंगे और SI का भी यूनिट लिखेंगे, ठीक है। सो माय डियर किड्स, बेसिकली कैरेट विल बी हैविंग, कैरेट यूनिट विल बी हैविंग द सिंबल सी, ठीक है। तो 1 कैरेट अगर मैं SI यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहूं तो इट विल बी इक्वल्स टू 200 mg, मिलीग्राम, ठीक है। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर लूं, सो वी विल कम टू नो दैट कि यार 0.2 इंटू 10^3 इंटू 10^-3, ठीक है, ग्राम। सो अभी इसको क्या करेंगे, I should express in terms of what? किलोग्राम। तो ये जो K है ना, मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक। अगर मैं इधर ले लूँ, so 0.2, ठीक है, 0.2 into 10^-3 kg, ठीक है, क्योंकि K को मैंने इधर ले लिया ग्राम के साथ, ठीक है। Now after this two, if again from here 1,
टू एंड थ्री, तीन के बाद डेसिमल पॉइंट को पुट अप करता हूं, मींस 0 पॉइंट, यहां पे 3 जीरो होने चाहिए, ठीक है, एंड देन 2 देन केजी. सो यू हैव एक्सप्रेस्ड 1 कैरेट, यहां पे लिखता हूं, देखो 1 कैरेट इज इक्वल्स टू 0.0002 केजी. सो दिस इज योर एक्सप्रेसिंग यूनिट इन टर्म्स ऑफ SI, ठीक है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, वी आर एक्सप्रेसिंग जो यूनिट्स हैं SI में एक्सप्रेस करना, ठीक है. तो चलो और फिजिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं, जितने भी टेबल 2.2 में सारों को हम ढंग से देखेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट, ठीक है. तो सारे चीज ध्यान से देखिएगा बच्चों, इट विल बी यूजफुल टू यू, ठीक है, याद रखिएगा इसको. तो चलो दूसरे यूनिट्स को लिख लेते हैं बच्चों, 1 बार, 1 क्यूरी, 1 रोइंट जेन, ओके, ये 3 हो गए. तो एक काम करते हैं और एक लिख लेते हैं, ठीक है, और पहले इसके सिंबल्स लिख लेंगे. चलो एक यूनिट लिख लेते हैं, 1 क्विंटल. सो द सिंबल फॉर दिस यूनिट इज बार ओनली, ठीक है, और क्यूरी इज रिप्रेजेंटेड एज CI, ठीक है, CI, एंड द रोइंजन हैविंग द सिंबल फॉर दिस यूनिट इज कैपिटल R, और क्विंटल का स्मॉल Q रहेगा. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस व्हाट दिस यूनिट इन टर्म्स ऑफ SI. तो 1 बार का इन टर्म्स ऑफ SI कितना होगा, एंड 1 क्यूरी का इन टर्म्स ऑफ SI कितना होगा, एंड 1 रोइंजन का इन टर्म्स ऑफ SI कितना होगा, और 1 क्विंटल का इन टर्म्स ऑफ SI कितना होगा, ठीक है. सो माय डियर किड्स, 1 बार इज इक्वल्स टू 0.1 मेगा पास्कल. ये एक्चुअली है क्या बच्चों, सो 1 बार इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर विच इज बिल्डिंग ओवर एनी ऑब्जेक्ट केप्ट एट द सी लेवल. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सी लेवल पे रखा जाए और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एयर का जो प्रेशर है उस ऑब्जेक्ट पे, वो कितना गिरता है, 1 बार, और 1 बार विल बी इक्वल्स टू 0.1 मेगा पास्कल, नॉट रास्कल, ठीक है. तो 0.1 × 10^6 कितना, 6, या 0.1 मेगा मीन्स 10^6, ओके, किलो मेगा पास्कल. सो यू कैन एक्सप्रेस दिस, यू आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ SI. तो मेगा का आपने क्या निकाल लिया, पावर वैल्यू, पावर वाला वैल्यू निकाल लिया 10^6, ठीक है, 0.1 मेगापिक्सल, कैन बी रिटन एज 0.1 × 10^6 पास्कल. सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सप्रेसिंग यूनिट इन टर्म्स ऑफ SI, ठीक है. तो 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है माय डियर किड्स, एक्चुअली 1 क्यूरी क्या है, बेसिकली दिस इज डिसइंटीग्रेशन. ये क्या है, डिसइंटीग्रेशन है, जहां पे कोई भी एक रेडियो न्यूक्लियोइड आप लेते हो, सो दैट विल बी गोइंग टू गेट डीके. तो डीके होना मतलब क्या होना, इट विल बी गोइंग टू डिसइंटीग्रेट फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल. तो ओरिजिनल मटेरियल से क्या होना, वो क्वांटिटी घटते जाना. आप सिंपल भाषा में कहो तो डीके किसको कहते हैं, सड़ना. तो कोई भी चीज अगर पेरिश होने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल भाषा में डीके कहते हैं. सो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना होता है, 1 क्यूरी इक्वल्स टू, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो भी क्वांटिटी मिलती है प्रति सेकंड में, दैट क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 1 क्यूरी. एंड फॉर द रेडियो न्यूक्लियाइड द डिसइंटीग्रेशन एट द रेट ऑफ मींस डिसइंटीग्रेशन रेट विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकंड विल बी 37 बिलियन. मतलब 1 बिलियन, 1 बिलियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 10^9 रहता है, ठीक है. बट द 1 क्यूरी इट विल बी इक्वल्स टू 37 बिलियन,
सो द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड विल बी 37 बिलियन, मतलब 37 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है. तो इसको हम आसान आसान भाषा में लिखें, सो यू कैन राइट इट एज 3.7. यू आर गोइंग टू शिफ्ट दिस डेसिमल पॉइंट हियर एंड क्या कर रहे हो आप लोग, 10 रेस टू 1 एंड 10 रेस टू 9. सो 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10. सो दिस मच विल बी द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियो न्यूक्लियाइड विथ रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड. मतलब एट 1 सेकेंड इतना स्पीड से डिसइंटीग्रेट होगा, कोई भी डीके जो होगा इतने स्पीड से डिसइंटीग्रेट होगा. सो दिस इज वॉट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज 1 क्यूरी. क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? सो 1 क्यूरी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 3.7. 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेकेंड. चलो ये भी चीज समझ में आई. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द रोइंटजन. रोइंटजन SI यूनिट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है. सो माय डियर किड्स, 1 रोइंटजन दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच यू नो इन टर्म्स ऑफ SI? 2.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम्ब पर केजी. तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं बच्चों, आपको सिंपल तरीके से बोलने की कोशिश करता हूं. नाउ इफ यू आर एक्सपोज्ड, if your body is get exposed to the x-ray radiation, ठीक है, or else gamma radiation. You all know that x-ray हो या gamma हो, gamma radiations हो, those will be harmful to our body. लेकिन कौन से हद तक, कितने हद तक, we don't know that, ठीक है. तो चलो बच्चों एक चीज ले लेते हैं. अभी समझो, मान के चलो I am taking an imaginary space where 1 kg of air is present. कोई भी बाउंड्री नहीं है. मैंने आपको इमेजिनेशन से बताया कि उतने स्क्वायर में 1 kg ऑफ एयर इज प्रेजेंट. नाउ से फॉर एग्जाम्पल यहां पे आइदर गामा रेडिएशन और एक्सरेज है, ठीक है. तो दोनों में से एक कोई भी ले लो. If it is present inside this air medium and you are residing into this, मतलब आप यहाँ पे रह रहे हो इस जगह में. So whatever this air is containing gamma radiations or X radiation under normal pressure, normal temperature and normal humidity. तो ये तीनों conditions क्या होने चाहिए? Normal होने चाहिए. तो जब ये तीनों normal होते हैं, gamma radiation हो या X-ray हो, जो इस एयर में प्रेजेंट होता है एंड दिस एयर इज पुटिंग अ फोर्स ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ गामा और एक्सरे प्रेजेंट इनसाइड इट. कितना फोर्स? 2.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम. इतना फोर्स अगर सिंगल केजी ऑफ एयर इज पुटिंग ओवर द पर्सन हु इज एक्सपोज टू दैट सराउंडिंग्स, तो वो वाले क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वी आर सेइंग दैट इट इज 1 रोइंटजन. सो ही वाज द जर्मन फिजिसिस्ट. ये कौन था बंदा? ये जर्मन फिजिसिस्ट था. तो इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने किया कि यार फिजिक्स वेट, ये बंदे ने क्या किया, ये बंदे ने ही कहते हैं ना, he calculated the impact of the radiation over the body which is exposed to the gamma radiation or x-rays. तो मैंने आपको बता दिया कि यार अगर कोई 1 kg of air ले ले और अगर हम उस surroundings में जाके खड़े हो जाएं, and you just understand that if that 1 kg of air is get absorbed gamma radiation or x-rays where the pressure, temperature and humidity should be normal and after getting absorbed of those radiations, those radiations in the air present is putting force of 2.58 into 10 to the power
माइनस फोर कूलम, ठीक है। तो इतना अगर फोर्स आप पे डाल रहा है तो जो इम्पैक्ट मिलेगा जो क्वांटिटी का, दैट विल बी वन रो इंचन, ठीक है। सो वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कूलम पर केजी, एसआई यूनिट, ठीक है। सो हमको ये तीन हमने देख लिए, अभी क्विंटल का देख लेते हैं, ठीक है। वी ऑल नो दैट क्विंटल जो है बहुत ही सिंपल यू नो यूनिट है, एंड द सिंबल फॉर क्विंटल इज क्यू, एंड वन क्यू will be always expressed in terms of what, my dear kids, 100 kg. क्योंकि ये जो है term, we used to see regularly those who have agricultural land. मतलब जब भी आप जोवार का उगाई करते हो, or else if you are producing wheat, rice packets, so you are selling into the APMC market, right? तो वहाँ पे जाके क्या कहते हो? 10 quintals, ठीक है? या 20 quintals of rice have been grown this year, ठीक है? तो ऐसे बोलते हो। तो 1 quintal मतलब कितना हो गया? 100 kg, simple है। 20 मतलब 1 quintal में अगर 100 है तो 20 मतलब 2000 kg, simple है। तो ये तो चीज आपको पता चल गए। अभी इसको ढंग से रब कर लेते हैं बच्चों, और रब करने के बाद और चार क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो और चार यूनिट्स बचे हैं बच्चों टेबल 2.2 के, वन बार्न एंड वन एयर, ARE, वन हेक्टेयर, द लास्ट वन इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, स्पेलिंग लिख लेते हैं, वेट, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू राइट द सिंबल्स ऑफ दीज एज वेल एज द कन्वर्जन ऑफ एसआई यूनिट्स वी आर गोइंग टू मेक, राइट, ठीक है। माय डियर किड्स, so the symbol for this unit will be B, and for the air is A, for the hectare is HA, for the standard atmospheric pressure is ATM, ठीक है। तो बच्चों इतना तो हमें चीज पता चल गया, ठीक है। And one barn when you are expressing in terms of SI unit कितना है? 100 FM square. तो 100 FM square क्या है? ठीक है, one barn is equals to 100 FM square. So when you express this F, you're going to get the exact value in terms of meter. मतलब SI unit में, ठीक है? So my dear kids, one barn, ये जो unit है, basically this is used to measure the cross section of the nuclei, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शन रहता है न्यूक्लियाई में, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो एटम्स के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो उसका जो न्यूक्लियस का क्या कहते हो आप, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो आप मेजरमेंट करने के लिए न्यूक्लियस का यूज करते हो, दिस वन बार, एज वेल एज न्यूक्लियर रिएक्शंस का जो एरिया रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां पे भी आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस ले रहे हैं, टू मेजर दैट वी आर यूजिंग वन बार्न। बट ऑल्दो यू नो नॉट ओनली न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का जो एरिया है या न्यूक्लियर रिएक्शंस का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, बस उसी को मेजरमेंट करने के लिए ही नहीं, दूसरे फील्ड्स में भी ये वाला यूनिट यूज हो रहा है बच्चों। तो बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग you know in the order of somewhere around more than 10 raised to minus 24 somewhat, theek hai, matlab more matlab zyada nahi, bahut hi in depth, bahut hi chote cheezon ke bare mein baat kar rahe hain, minute cheezon ke bare mein. So when we are talking about small f, so small f stands for what? Fermi, not Fermi, I think femto, sorry, it's femto, theek hai. तो फेमटो को आप यूज कर रहे हो, तो फेमटो क्या है बच्चों?
मैं इसका इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. दीज आर द प्रेफिक्सिस ऑफ द यूनिट्स. ठीक है, सो फेमटो स्टैंड फॉर वॉट, 10^-15. ठीक है, तो अगर हम उसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ये जो यूनिट है हम किस लिए यूज कर रहे हैं, टू सिंपली मेजर वॉट, वेट, ओके, सो वी गॉट दिस. सो सिंपली व्हाई वी आर यूजिंग दिस यूनिट, टू मेजर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रिएक्शंस. ठीक है, तो व्हेन वी आर राइटिंग दिस 100 को तो सेपरेटली लिख लेंगे, एंड व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग 10^-15 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ रहा है आपका, 100 × 10^-30, तो 10^-2 एंड 10^-28 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो व्हेन यू आर राइटिंग दिस वन, सो यू कैन सिंपली राइट एज 1 barn = कितना लिख सकते हो आप लोग, 1 barn = 1 × 10^-28 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर. तो ये जो छोटा सा माइनूट एरिया है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस, और एल्स यू आर एक्सप्रेसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस. ठीक है, तो 1 barn का तो हमें पता चल गया क्या है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द एयर. एयर कितना होता है, सो 1 air = कितना है, तो पहले रब कर लेते हैं इसको. चलो, बहुत ही सिंपल है बच्चों, चीजें बहुत सिंपल है, हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, सो दैट वी शुड रिमेम्बर दीज थिंग्स इनटू एग्जाम्स. ठीक है, तो सो यू कैन एक्सप्रेस, तो हमने 1 barn का क्या किया, 1 barn का 1 × 10^-28 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द न्यूक्लियस. नाउ 1 air = हाउ मच, 1 dm². ठीक है, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट माय डियर किड्स, 1 as it is. तो डेका कितना है, डेका स्टैंड्स फॉर आई थिंक वेट, जैसे डेसी स्टैंड्स फॉर 10^-1. ठीक है, डेसी स्टैंड्स फॉर 10^-1, तो डेका स्टैंड्स फॉर 10^-1, याद है. सो माय डियर किड्स, हम यहाँ पे 10^-1 मीटर होल स्क्वायर, तो कितना आता है हमारा, 1 × 10^2 मीटर स्क्वायर. सो 1 air = कितना हुआ, 1 air = 1 × 10^2 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज ऑल अबाउट 1 air. तो इसको रब करके यहाँ पे फिट कर देते हैं वैल्यू, सो दैट वी शुड रिमेम्बर दिस फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 1 × 10^2 मीटर स्क्वायर. चलो, तो अभी 1 hectare = कितना है वो देख लेते. सो माय डियर किड्स, 1 hectare = 1 hectometer². ठीक है, इतना. तो अभी हेक्टो कितना होता है सर, हेक्टो स्टैंड्स फॉर 10^2. ठीक है, जैसे सेंटी स्टैंड्स फॉर 10^-2, हेक्टो स्टैंड्स फॉर हेक्टो, HECTO. ठीक है, हेक्टो कहते हैं जिसको. तो हमें पता चल गया हेक्टो कितना होता है. ओके, सो 1 as it is एंड 10^2 मीटर होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, सो 1 × 10^4 मीटर स्क्वायर. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? सो जब भी हम इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट इट एज 10^2 मीटर इंटू 10^2 मीटर, मतलब 100 meter × 100 meter. तो ये जो है ना बच्चों, 100 meter × 100 meter कितना है, इधर से आपका 100 meter रहेगा और इधर से आपका 100 meter रहेगा, तो जो भी आपको एरिया मिलेगा, वी आर गेटिंग 1 hectare ऑफ लैंड.
क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चों मैं जो भी कह रहा हूँ? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट इन टर्म्स ऑफ एसआई। ओके, सो माय डियर किड्स, अभी इसको रब कर लेते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है? नाउ सो इसको क्या करते हैं, इट शुड बी 10^4 m², ठीक है? नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बेसिकली? से फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, आपने इस पे 1 m² या 1 m² एरिया ले लिया है, एंड द फोर्स इन टर्म्स ऑफ न्यूटन इज एक्टिंग अपॉन दिस इज 101325। दिस मच ऑफ न्यूटन ऑफ फोर्स इज एक्टेड बाय द एयर इन द एटमॉस्फेयर। जो एयर है इनसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, वो कितना प्रेशर फोर्स डाल रहा है इस यूनिट एरिया पे, मीटर स्क्वायर पे? 101325, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, 101325 इज नथिंग बट न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट वन एटमॉस्फेरिक, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ एसआई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। द पास्कल इज सिंबलाइज्ड विद पीए, ठीक है? सो दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, राइट? सो यू कैन एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स, इसको कन्वीनियंटली कैसे यूज कर सकते हो, 1.013। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, सो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, 10^5 पास्कल। सो दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू टू एक्सप्रेस वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ 1.013 × 10^5 पास्कल, ठीक है? इतना हमने कर दिया, ये आपका टेबल 2.2 हो गया। वी आर गोइंग टू रब दिस प्रॉपरली, थोड़ा सा बचा है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। कौन सा? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो माय डियर किड्स, तो और बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसको हम एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सो मेनी अदर यूनिट्स आर देयर, तो उसके लिए अलग से एंटिटीज लेने पड़ेंगे। और मैं जो बचे हुए यूनिट्स हैं उसको लेक्चर 3 में डालता हूँ, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा बच्चों। तो जो बचा हुआ पार्ट है इसका, तो हम क्या करते हैं उसको, वी आर गोइंग टू यूज इट इन टू लेक्चर 3, ठीक है? तो ये वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। और आपको ये वीडियो में मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्या ये डिटेल में था, या आपको और ज्यादा शार्प मुझे बनाना पड़ेगा कंटेंट को, ऐसे आपको अगर लगता है तो कमेंट में आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। वरना ये जो भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, आपको ये सफिशियंट लगता है, सो यू कैन एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड देयर। आप अपना विचार रख सकते हो, एंड तारीफ करना है तो तारीफ करो, वरना नेगेटिव तारीफ करना है वो भी करो, क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम द वन ऑफ द बेस्ट लेक्चरर इन इंडिया एट माय सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स। सिंस दिस इज बीटा सीरीज, तो मैं इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा हर कंटेंट के बारे में। और 2.2 द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो मैक्सिमम पार्ट है यहाँ पे कवर हो गया, तो जो बचा हुआ है आई एम गोइंग टू कवर इट इन टू द लेक्चर 3, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे माय डियर किड्स, एज वेल एज यू कैन सब्सक्राइब इट, बिकॉज जो भी आप सब्सक्रिप्शन करोगे इट विल बी गोइंग टू हेल्प मी, एंड इट विल बी गोइंग टू गिव मी इंस्पिरेशन टू मेक मोर एफिशियंट वीडियोज। ओके, सो थैंक यू माय डियर किड्स फॉर लिसनिंग इन अ काम मोड। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।